तो ये जो रेसिपी है इसमें ढेर सारी सब्जियां, प्रोटीन भी ज्यादा है और स्टीम्ड है, टेस्टी है। क्या करना है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये मेरे पास बोनलेस चिकन है, इसे थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं हम। और मैरिनेट करने के लिए ये बोनलेस चिकन में नींबू का रस, उसके साथ साथ अदरक, इसमें नमक और पेपर, ये देखिए, और इसे कुछ देर तक ऐसे ही रहने दें, इसे मैरिनेट होने दें। और एक हमने पैन के अंदर थोड़ा सा तेल, ये मेरे पास चाइनीज कैबेज जो होती है वो है, इसमें ये चिकन जो हमने मैरिनेट किया है, चिकन की ब्रेस्ट भी है, लेग भी है। और अब बहुत ही सिंपल है, ढक्कन लगाएं, इसको पकने दें। अब हम जरा ये जो तेल गरम किया है ना, इसमें कुछ सब्जियां पकाएंगे। सब्जियों में ये लीजिए ब्रोकली, ये ब्रोकली, और उसके साथ साथ ये जो पत्तियां हैं हमारे पास, या चाइनीज पॉक चॉय अलग अलग किस्म की मिलती हैं, तो आपने देखा एक तो हमने वो चिकन के साथ में जब स्टीम कर रहे थे तब वो रखी थी, और कुछ अब ये पत्ती, दोनों चीजें साथ में सौते करते हैं। और उसके साथ साथ थोड़ा सा पानी भी इसमें, इसको सॉफ्ट करने के लिए। अगर आप गार्लिक का टेस्ट पसंद करते हैं जैसे मैं पसंद करता हूँ, तो इसके अंदर गार्लिक, उसके साथ साथ थोड़ी सी सोया सॉस, ज़्यादा नहीं, उसके साथ साथ मेरे पास ये जो चिकन है इसका क्या हाल है, ये चिकन तो बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ये चिकन पक गया या नहीं पक गया, लगता तो है। और ये जो सब्जियां हैं अब बस ये तैयार इसे परोसने के लिए, ये देखिए, बिल्कुल नमक वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है। और ये लीजिए स्टीम्ड चिकन, बाय वाह।